नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत तिवारी पाठशाला लिटरेचर एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज नया महीना शुरू हुआ है, 1 मार्च 2021 सुबह के 7 बजे हुए हैं और सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब जो करंट अफेयर्स आपकी एग्जाम में आ रही है या आपके आने वाले ग्रुप डी के पेपर में और आगे आने वाले इस साल के एग्जाम से आपके लिए बहुत जरूरी होगी। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई और सभी लोग क्लास को तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की स्थिति में अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 39वां अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला जो कि त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ है, किस राज्य में ही शुरू हुआ, यानी कि आंसर आपका त्रिपुरा होगा। बाकी की चीजें हम इसमें पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के पीएसएलवी C-51 ने किस देश का अमेजोनिया एक उपग्रह लॉन्च किया है। दोस्तों अमेजोनिया से ही समझ में आ रहा है कि ये ब्राजील का होगा। हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है, इसके लेखक कौन है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमारे भारत की इंडियन टेनिस की एक अच्छे इतिहास के बारे में लिखी गई किताब है। हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन का के लिए सहयोगी देश कौन है। दोस्तों अभी ये मैरीटाइम आपका इंडिया सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें 24 देश भाग लेंगे, उनमें से कोई एक देश सहयोगी देश के रूप में भी आएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। दोस्तों ये जो भारत भारती सम्मान है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। हाल ही में नोएडा हाट में आयोजित सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में आयोजित इंडियन विमेन लीग 2020-21 जो कि लास्ट ईयर होना था की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। दोस्तों ये आज के आपके क्वेश्चंस हैं और सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे और अच्छे से सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। तो समय व्यतीत नहीं करेंगे दोस्तों, तो कम से कम समय में करंट अफेयर्स पूरी करनी है, तो सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। और हाल हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की स्थिति में अपग्रेड किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आरबीआई की जो अपग्रेडेशन जो सिस्टम है, आरबीआई का जो अपग्रेडेशन सिस्टम चलता है दोस्तों, अगर हम उसकी बात करेंगे तो यहां पर अभी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक जो है इसको अभी आरबीआई के लिए अपग्रेड कर लिया गया है। यानी कि अब दोस्तों ये जो फिनो पेमेंट बैंक है, इस फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई एक्ट 1934 जिसके तहत आरबीआई अपनी जो दूसरी अनुसूची है उसमें शेड्यूल्ड बैंक की अनुसूची जो बनाती है उसमें फिनो पेमेंट बैंक को भी दोस्तों शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फिनो पेमेंट बैंक अब क्या होगी, आरबीआई एक्ट 1934। ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। आरबीआई का गठन दोस्तों 1935 में हुआ था, लेकिन आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 का है जिसको दोस्तों 1945 में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो सेकेंड शेड्यूल है आरबीआई का, जो सेकेंड शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल में इनको भी क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। तो इस तरीके से आपकी फिनो पेमेंट बैंक अब आरबीआई के रेगुलेशंस को मानेगी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को भी, जो कि इंडिया की एकमात्र ऐसी बैंक थी स्टेट बैंक की हिस्सा जो कि आरबीआई के रेगुलेशन में नहीं आती थी, उसको भी आरबीआई ने दोस्तों अपने हिस्से में शामिल किया। तो फिनो पेमेंट बैंक अब आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सेकेंड शेड्यूल में क्या होने वाली है, हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। उसके बाद अगर दोस्तों आरबीआई की शेड्यूल बैंकों की सूची रखेंगे तो आरबीआई की दोस्तों जो शेड्यूल्ड बैंकें हैं जो आरबीआई के अधीन आती हैं उनके दोस्तों 5 कैटेगरियां हैं। इनमें ध्यान रखिएगा, एक जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं एसबीआई और उसकी सब्सिडियरीज, यानी कि उसकी इकाइयां सब्सिडियरीज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरी जो कैटेगरी आती है आरबीआई की शेड्यूल्ड बैंकों की सूची में, अगर हम आरबीआई के शेड्यूल्ड बैंक की सूची देखेंगे तो दूसरी सूची आती है नेशनलाइज्ड बैंक्स। इसके बाद दोस्तों आती है क्षेत्रीय सहकारी बैंकें, जो एरिया जो कोऑपरेटिव बैंकें होती हैं उन कोऑपरेटिव बैंकों को भी अनुसूची के तीसरे हिस्से में रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो चौथे हिस्से में आती है वो होती है फॉरेन बैंक्स, जैसे एचएसबीसी वगैरह है फॉरेन बैंक्स।
और दोस्तों इसके बाद आती है पांचवे कैटेगरी में आती है प्राइवेट बैंक्स, जो कि आपकी निजी बैंक्स होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों आरबीआई की जो टोटल ये शेड्यूल्ड बैंकों की सूची में जो पांच कैटेगरियां हैं वो ये है। तो इस तरीके से अब महाराष्ट्र बेस्ड मुंबई की जो फिनो पेमेंट बैंक है, जिसके की चीफ महेंद्र कुमार जी हैं, ध्यान रखिएगा महेंद्र कुमार इसके चीफ है। और ये बैंक जो थी दोस्तों पेमेंट बैंक, ये 2006 में स्थापित हुई थी, 2006 में स्थापित होने वाली ये बैंक मुंबई बेस्ड बैंक थी और अब ये आरबीआई के शेड्यूल में शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अब ये आरबीआई के शेड्यूल नंबर सेकंड में शेड्यूल्ड बैंक की सूची में आ गई। तो अब दोस्तों आरबीआई रेगुलेशन जो होगा, यानी जो मुद्रा का रेगुलेशन या बैंकिंग का जो रेगुलेशन आरबीआई करती है, अब वो नियम इनके ऊपर भी लागू होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आरबीआई मुद्रा का रेगुलेटर है, बैंकिंग का रेगुलेटर है, तो बाजार का रेगुलेटर कौन है दोस्तों? बाजार का रेगुलेटर सेबी है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको मार्केट रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सभी लोग क्लास में शेयर करते रहेंगे। हाल ही में 39वां अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला किस राज्य में शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 39 वर्षों से लगातार आपकी त्रिपुरा में हर साल जो अंतरराष्ट्रीय अगरतला अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला होता है, इसको दोस्तों अभी हाल ही में क्या किया गया है? हाल ही में शुरू किया गया है। किस राज्य में शुरू किया गया? त्रिपुरा में। इनका जो इस बार का विषय है, जो थीम है दोस्तों, वो है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। तो इस बार का इन लोगों का थीम जो है वो आपका एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में ये 39वां अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर जो सम्मेलन है वो शुरू किया गया है। मेले में जो दोस्तों ये जो मेला स्टार्ट हुआ, इस मेले में जो आपके त्रिपुरा के जो विप्लव सिंह जी, विप्लव जो आपके मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार, उन्होंने इसको उद्घाटन किया। और हाल ही में बांग्लादेश के जो वहाँ के असिस्टेंट जो वो है, असिस्टेंट हाई कमिश्नर है, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया था। तो दोस्तों मेले की उद्घाटन विप्लव कुमार ने किया, जो कि आपके मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के विप्लव कुमार। और इसके साथ साथ यहाँ मुख्य अतिथियों में दोस्तों बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर है, बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर जो है, उनको भी यहां पर क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो दोस्तों जो ये असिस्टेंट हाई कमिश्नर है, जिनका नाम है मोहम्मद जोबायाद हुसैन, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद जोबायाद हुसैन को यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया था, मोहम्मद जोबायाद हुसैन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल बुक फेयर, जो कि आपका अगरतला में होता है दोस्तों, कहां पर? त्रिपुरा में। ध्यान रखिएगा इस बार का जो विषय रखा गया है वो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, इस बार का विषय रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सभी लोग क्लास में शेयर भी करते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है? ये सीवी रमन जी द्वारा जब रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, सीवी रमन जो आपको उनको भारत में भारत रत्न भी मिला है 1954 में, तो ध्यान रखिएगा सीवी रमन ने 1930 में रमन इफेक्ट की खोज की थी। फोटोन विकिरणों के बारे में इन्होंने बताया था, तो जब इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी तो 1930 में इनको 1930 में दोस्तों इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था इसके लिए। और नोबेल अवार्ड विजेता जो आपके सीवी रमन जी हैं, सीवी रमन जी के द्वारा की गई खोज की वजह से 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? आपका 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे घोषित किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो घोषणा की गई थी, इस घोषणा को बहुत बाद में किया गया है, घोषणा की गई थी दोस्तों 28 फरवरी 1986 को ये घोषणा हुई थी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा। ठीक है, इस दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे जिन्होंने इसको घोषित करवाया था। ठीक है, तो ये सीवी रमन है और इनके द्वारा खोजा गया कौन सा इफेक्ट था दोस्तों? रमन प्रभाव, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रमन इफेक्ट भी कहते हैं दोस्तों। अगर हम रमन इफेक्ट की बात करें कि रमन इफेक्ट है क्या, तो ध्यान रखिएगा फोटोन कणों के लचीले वितरण को जो परिभाषित किया था वो आपका रमन इफेक्ट। ठीक है, फोटोन कणों के जो वितरण के बारे में बात बताई थी वो
लचीले वितरण के बारे में बात बताई थी वो रमन इफेक्ट में सीवी रमन ने बताई थी। ध्यान रखिएगा ये वही सीवी रमन है जिनको 1954 में भारत के पहले भारत रत्न विजेताओं में शामिल किया जाता है, जिनमें इनको राधा कृष्ण जी के साथ, राधा कृष्ण जी, सीराज गोपालाचार्य जी और सीवी रमन को एक साथ 1954 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो आपका वैश्विक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड जो है, ये अवार्ड दोस्तों अभी हाल ही में 1-5 मार्च के बीच में जो एक सम्मेलन स्टार्ट हुआ है, जो समिट हुआ है, उसमें ग्लोबल एनर्जी एंड पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, या इसको बोलते हैं दोस्तों वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप जो अवार्ड है, ये दोस्तों दिया जाएगा 1-5 मार्च के बीच में। सीरा वीक होता है, एक सीरा वीक सम्मेलन होता है दोस्तों, इस सम्मेलन में ही इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। सीरा वीक सम्मेलन, सीरा वीक सम्मेलन दोस्तों जो घटित होगा ये 1-5 मार्च के बीच होगा, 5 मार्च 2021 के बीच इसको आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग सीरा वीक की बात करें, सीरा वीक की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये एक एनुअल एनर्जी कॉन्फ्रेंस है, जो हर साल एक एनर्जी ऊर्जा जो सम्मेलन है, एनुअल एनर्जी कॉन्फ्रेंस है, जिसको कि दोस्तों जिसको कि एक कंपनी है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट कंपनी, वो इसको आयोजित करती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका जो है ये एनुअल वार्षिक एनर्जी कॉन्फ्रेंस है, वार्षिक ऊर्जा सम्मेलन है जो हर साल होता है दोस्तों, और इसको करवाता कौन है? इसको एक कंपनी है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन, इसका नाम है इंफॉर्मेशन मेशन एंड इनसाइट कंपनी, एंड इनसाइट कंपनी इस कंपनी द्वारा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन इनसाइट कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों IHS मार्केट। इस कंपनी द्वारा इसको हर साल एनुअल जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की जाती है। IHS मार्केट, MERKIT मार्केट, ये कंपनी का नाम है जो कि इंफॉर्मेशन और इनसाइट कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टेक्सास बेस्ड कंपनी है जिस कंपनी द्वारा हर साल इस प्रकार का एनुअल साइंस कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, जिसमें हाल ही में सीरा वीक सम्मेलन जब 1-5 मार्च के बीच स्टार्ट हो गया है, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सीरा वीक के बारे में ध्यान रखिएगा, जो सीरा वीक दोस्तों सम्मेलन होता है ये टेक्सास में होता है, और टेक्सास में होने वाला ये सम्मेलन है यूएसए में, ये IHS मार्केट नाम की इंफॉर्मेशन इनसाइट कंपनी इस कॉन्फ्रेंस को कराती है और ये अवार्ड देती है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सीरा वीक होता है ये दुनिया भर के जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है, उन सबको एक मंच में एक साथ लाने के लिए ऐसा सम्मेलन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इसरो ने PSLV C51 से किस देश का अमेजोनिया एक उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ अमेजोनिया से ही समझ में आ रहा है कि ब्राजील में ही अमेजन नदी फेमस है, तो ब्राजील की एक सैटेलाइट है, ध्यान रखिए दोस्तों, ब्राजील की एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है दोस्तों क्या, आपका अमेजोनिया एक। इस सैटेलाइट को क्या किया जा रहा है, भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि जिसका फर्स्ट पैड है, उस पैड से दोस्तों क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस साल का 2021 का जो हमारी इसरो है, इसरो का पहला मिशन था, इसरो का जो फर्स्ट मिशन गया है, ये मिशन दोस्तों अंतरिक्ष मिशन जो गया है, इसमें PSLV C51 रॉकेट से लॉन्च किए गए हैं, और टोटल दोस्तों 19 सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, जिनमें से 18 सैटेलाइट हमारी अपनी है, 18 सैटेलाइट हमारी स्वदेशी है, और एक सैटेलाइट जो है दोस्तों वो अमेजोनिया है, अमेजोनिया एक। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसके बारे में ध्यान रखिए। और दोस्तों यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिए, पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि ब्राजील के किसी सैटेलाइट को भारत ने लॉन्च किया। ठीक है, फर्स्ट ब्राजीलियन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय इंडिया।
ठीक है। तो ये दोस्तों कहां से होता है, ये आपका विशाखापट्टनम जो आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाता है। हमारे भारत में सबसे बड़ा जो स्पेस लॉन्च सेंटर है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा में। और इसके दो लॉन्चिंग पैड है, और इसके सेकंड लॉन्चिंग पैड से दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड को अपलोड किया गया था, और फर्स्ट लॉन्चिंग पैड से आपका अभी हाल ही में ये पीएसएलवी C-51 लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा जो ये किया गया है, जो लॉन्चिंग पैड है इसरो के, जो आपके सतीश धवन के दो है, जो दूसरा वाला लॉन्चिंग पैड है दोस्तों वहां से GSLV रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, और पहले वाले से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये पुस्तक लॉन्च की है किसने, ये पुस्तक के लेखक कौन है, आनंद दत्ता है, तो ये इसके ऑथर है, ये इसके ऑथर है। माना जाता है कि आनंद दत्ता जी जो है ये एक बैंकर भी रह चुके हैं, और एक बैंकर से एक लेखक में ये परिवर्तित हुए, तो ये पूर्व बैंकर भी रह चुके हैं। और ये जो पूर्व बैंकर है आपके आनंद दत्ता जी, इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ध्यान रखिएगा दोस्तों जो इनकी ये पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है, इस पुस्तक में इन्होंने भारत में जो डबल्स गेम, जो आपके जो टेनिस होता है दोस्तों, इसमें आपके जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें आपका एक जो सिंगल्स होता है, एक डबल्स होता है और एक मिक्स डबल्स, तो सिंगल्स दोनों के अलग अलग, डबल्स के दोनों अलग अलग और एक मिक्स डबल्स होता है। तो दोस्तों टोटल 5 टूर्नामेंट होते हैं इनके, उनमें से इंडिया हमेशा से डबल्स गेम में आगे रहा है। डबल्स और मिक्स डबल्स में ही हमारे टेनिस खिलाड़ी ज्यादा जीते हैं, जिनमें लिएंडर पेस और महेश भूपति और फिर बाद में सानिया मिर्जा भी थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों डबल गेम्स और इंडियन वुमेन टेनिस का पूरा इन्होंने इतिहास लिखा है, और इस इतिहास को बड़े पॉजिटिवली लिखा गया है। तो ये इतिहास की जो कहानी लिखी गई है टेनिस के ऊपर, इंडियन वुमेन टेनिस और इंडियन डबल जो गेम्स है इनके बारे में जो किताब लिखी गई है, उसी किताब का नाम है दोस्तों एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, जिसके लेखक कौन है, आनंद दत्ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बुक को जो पब्लिशर है, जो इस बुक के जो पब्लिश करने वाले हैं, इसको पब्लिश किया है दोस्तों वेस्टलैंड पब्लिकेशन। मैं आपको बता दूं ये आपका ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिकेशन है जो बुक्स को पब्लिश करता है। वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने दोस्तों अभी हाल ही में क्या किया है, वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने जो अभी हाल ही में लॉन्च किया दोस्तों ये बुक को लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन मैरिटाइम इंडिया सम्मेलन का सहयोगी कौन होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों हाल ही में जो आपका मैरिटाइम इंडिया का जो सम्मेलन होने वाला है, ये आपका दोस्तों 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा ये आपका, और जो ये शुरू हो रहा है ध्यान रखिएगा मैरिटाइम इंडिया सम्मेलन, ये इसमें टोटल 24 देश भाग लेने वाले हैं। तो अभी हाल ही में डेनमार्क इस मैरिटाइम इंडिया सम्मेलन में क्या होगा, सहयोगी देश के रूप में शामिल होगा। तो डेनमार्क सहयोगी देश होगा, बाकी इसके साथ साथ 24 देश इस मैरिटाइम इंडिया सम्मेलन में क्या कर रहे हैं दोस्तों, भाग ले रहे हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, हाल ही दिन में कुछ समय पहले आपका दुनिया हिंद महासागर के आसपास के जितने भी देश हैं उनके जितने भी नेवल चीफ हैं और एयरफोर्स चीफ हैं उनकी भी हिंद महासागर की सुरक्षा के संबंध में बैंगलोर में बैठक हुई थी, जो कि आपके कर्नाटका में हुई थी। और अभी हाल ही में मैरिटाइम इंडिया सम्मेलन जो हो रहा है, ये भी कितने देश आ रहे हैं भारत के साथ, 24 देश यहाँ पर दोस्तों भारत के साथ क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। ठीक है, इसको दोस्तों 2 से 4 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा, जो कि कल से आयोजित होगा, तो 2 मार्च से लेकर ये 4 मार्च के बीच चलेगा, जिसमें टोटल 24 देश आएंगे। भारत में इसको जो लॉन्च करवा रहा है दोस्तों, जो आयोजित करवा रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ शिप, आपने सुना ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ शिप पोर्ट एंड वाटरवेज द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ शिप पोर्ट एंड वाटरवेज
इसको दोस्तों क्या कर रहा है, इसको आयोजित कर रहा है। दोस्तों अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट एंड वाटरवेज की, तो आपके एमएल जो मांडविया जी हैं, एमएल मांडविया जी इसके मंत्री हैं, एमएल मांडविया इसके मंत्री हैं, ठीक है। और जो इस बार शामिल हो रहा है वो कौन शामिल हो रहा है दोस्तों, डेनमार्क सहयोगी देश के रूप में शामिल हो रहा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत भारती सम्मान के बारे में अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग भारत भारती सम्मान कहते हैं। और ये भारत भारती सम्मान जो आपका है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो भारत भारती सम्मान है, इस भारत भारती के सम्मान को जो देने वाली जो संस्था है, जो इसको देने वाली संस्था है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था, हिंदी संस्था, और इसके हेड है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ हो या आगे आने वाले जितने भी मुख्यमंत्री होंगे भारत के, जो यूपी के, तो यूपी के जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, यूपी हिंदी संस्था के, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा ही दिया जाता है कौन सा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा साहित्य सम्मान। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा दोस्तों, भारत भारती सम्मान, अभी हाल ही में घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा, किसको, डॉक्टर सूर्यबाला को, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार है, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो प्राइज है इसको कौन देता है, इसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था देती है, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर और भी पॉइंट आते हैं, जैसे इसमें मिलता क्या है, तो इसमें एक स्मृति पत्र मिलता है, एक स्मृति पत्र मिलता है, और दोस्तों इसके साथ साथ 5,02,000 रुपए की धनराशि मिलती है, 5,02,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोस्तों क्या, ये है हमारा भारत भारती सम्मान, जो कि उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्था द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में नोएडा हाट में आयोजित सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किसने किया है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर नोएडा हाट की बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था ये हाट वगैरह क्यों लग रहा है, भारत सरकार जो जो कि शिल्पकार है, जो कि कारीगर है, उनको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अलग अलग शहरों में अब के वर्चुअली भी आयोजित हो रहा है जो हाट आयोजित किया जाते हैं। तो इसमें दिल्ली हाट भी आयोजित हुआ था, अभी नोएडा हाट आयोजित हुआ है। तो इसके तहत भारत के देश भर के जितने भी आपके शिल्पकार और कारीगर होते हैं, उनके उत्पादों की बिक्री हो, इसके लिए ई वेबसाइट भी बनाई गई है, जिसके तहत क्या हुआ है, जिसके तहत भारत के बाहर भारतीय मूल के लोग भी वेबसाइट के माध्यम से उनके माल को खरीद सकते हैं, इससे उनका आजीविका अर्जन बढ़ेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, अभी हाल ही में नोएडा हाट जो आयोजित हुआ है, इसको आयोजित होने में यहाँ पर सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया है। इस मेले का उद्घाटन दोस्तों किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है, इसका उद्घाटन दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है, जो कि आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो इस बार ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी हाल ही में अपना एक उद्देश्य बनाया है कि जितने भी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होते हैं, जो 100 मदद जो आपके ग्रुप चलते हैं, ये आपके सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इन चीजों में लगाएंगे या इन मेलों में जोड़ेंगे और उनके द्वारा बनाई गई चीजों को बिकवाएंगे, उससे हर घर की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि पुरुष हर घर में काम करते हैं लेकिन महिलाएं हर घर में काम नहीं करती हैं। तो इससे दोस्तों क्या होगा, अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा तो पुरुष महिलाएं दोनों मिलकर कमाएंगे तो वह घर की आय बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से जो नोएडा हाट है, नोएडा हाट में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, नोएडा हाट में महिलाओं को, फीमेल्स को बढ़ चढ़ के वहां पर बुलाया जा रहा है कि आप लोग को इस हाट में क्या होना है, शामिल होना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से ग्रुप में महिलाएं लगभग 300 से ज्यादा महिलाओं ने इस बार नोएडा हाट में सम्मेलन में क्या किया, भाग लिया है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से दोस्तों शिल्पकार के रूप में यहाँ पर आई है, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका आयोजन किया, जिसको क्या बोला गया, सरस आजीविका मेला, जो कि आपके नोएडा हाट में शुरू हुआ था, ठीक है।
हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आयोजित इंडियन विमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने पहले भी घोषणा की थी कि हम उड़ीसा में ही क्या करेंगे, उड़ीसा में ही आयोजन करेंगे इंडियन विमेन्स लीग का। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको आप AIFF कहते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा घोषणा की गई है कि इस बार का जो इंडियन विमेन्स लीग यानी कि IWL 2020-21 में के तहत होने वाला है, और इस बार इनका IWL का दोस्तों पांचवा ही संस्करण हो रहा है, फिफ्थ फेज है इस बार का। तो पांचवा संस्करण दोस्तों उड़ीसा में होगा। कहां पर होगा? उड़ीसा में। और उड़ीसा के लिए पहले भी डिक्लेरेशन किया गया था दोस्तों कि उड़ीसा में ही किया जाएगा। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो स्ट्रेटजी पार्टनर है, यानी कि आपके रणनीतिक जो साझेदार है वो उड़ीसा खुद है। तो स्ट्रेटजिक पार्टनर उड़ीसा को क्या की गई है इस बार की मेजबानी दी गई है। तो इस बार का जो हीरो इंडिया विमेंस लीग होने वाला है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये पूरा जो है आपका हीरो इंडिया विमेंस लीग है जो इस बार होने वाला है, ये कब कहाँ होगा दोस्तों? ये उड़ीसा में आयोजित होगा, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसके लिए डिक्लेयर कर दिया है कि स्ट्रेटजी पार्टनर होने की वजह से उड़ीसा को ही हम इसकी क्या देने वाले हैं, मेजबानी देने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसकी स्थापना दोस्तों द्वारका में हुई थी, जो कि आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। और दोस्तों अगर AIFF के हम लोग चीफ की बात करेंगे तो प्रफुल्ल पटेल अभी क्या बनाए गए हैं, प्रफुल्ल पटेल, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया भी था, प्रफुल्ल पटेल जी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के क्या बन गए हैं, चीफ बने हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज की आपकी करंट अफेयर्स। रोज सुबह 7 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स मैं लेकर आता हूँ। अभी हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कम से कम समय में बर्बाद हो और आप लोग अच्छे से करंट अफेयर्स को तैयार करें। आप लोगों से गुजारिश है कि क्लास को शेयर करते रहा करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी क्लास को आगे बढ़ाया जा सकेगा और अच्छे से, और इसको कई पार्ट से तोड़ा जा सकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी और जल्दी से आप लोग इसको कवर कर लेते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों।